नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। कांग्रेस इन दिनों राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और समाज के अन्य लोग भी इस यात्रा में जुड़े हैं। हालांकि इस यात्रा को लेकर कुछ विवाद भी सामने आते रहते हैं, भाजपा भी कुछ सवाल खड़े करते रही है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा है। इसमें यात्रा में एक स्थल पर मंच पर राहुल गांधी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। राष्ट्रगीत बजने की घोषणा राहुल गांधी करते हैं। इसके बाद सभी अन्य कार्यकर्ता भी सावधान की मुद्रा में आ जाता है। हालांकि इस दौरान गफलत होती है और कुछ और बजने लगता है। कुछ सेकंड बाद राहुल गांधी इशारा करते हैं और फिर इसे रोका जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही कई तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ यूजर्स इसे नेपाल का राष्ट्रगान बता रहे हैं। फैक्ट्स नाम के ट्विटर यूजर्स ने यह वीडियो शेयर करते हुए मजाकिया लहजे में लिखा, ये नेपाल का राष्ट्रगान है। राहुल गांधी दरअसल अखंड भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी अभी महाराष्ट्र में हैं। यात्रा गुरुवार सुबह महाराष्ट्र के अकोला जिले से फिर शुरू हुई। भारत यात्री रात में विश्राम करने के लिए एक फैक्ट्री में रुके थे। राहुल ने यात्रा के दौरान सड़क पर एकत्र हुए लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। राहुल आज दोपहर को एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। भारत यात्रियों ने नांदाडे जिले में 7 नवंबर को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया था। नांदाडे के अलावा यात्रा अभी तक राज्य के हिंगोली और वाशिम जिलों से गुजर चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला और बुलढाणा जिले से गुजरने के बाद 20 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। अब राष्ट्रगीत, एक साथ सावधानों के सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत, अब राष्ट्रगीत, एक साथ सावधानों के सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, उसको बोला था।